हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे इस वर्ष दिवाली कब है और जानेंगे तिथि के बारे में और शुभ मुहूर्त माता लक्ष्मी पूजन की विधि के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे नए नए हम जानकारी आप लोग को लेकर आते हैं त्योहार से संबंधित और कथा व्रत त्योहार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखें, समय व्यतीत करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में अमावस्या की तिथि को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है पूरे भारत में। इस वर्ष अलग ही हर्ष और उल्लास देखने को मिलता है। इस दिन पूरा देश दीयों से रोशनी से जगमगा उठता है। हिंदू धर्म में दिवाली की सुख समृद्धि प्रदान करने वाला त्योहार माना जाता है। धार्मिक मान्यता की इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को एक घर में पधारती हैं और उन्हें धन दान का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। साथ ही कहा जाता है कि दीपावली के दिन प्रभु श्री राम लंकापति रावण का विजय प्राप्त करके अयोध्या से लौटे थे। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर भगवान राम की अयोध्या लौटने की खुशी में लोगों ने पूरी अयोध्या को दियों से और रोशनी से सजा दिया था। तभी पूरे भारत में दीपावली मनाई जाती है। इस दिन लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। चलिए जानते हैं इस साल दिवाली की तिथि शुभ मुहूर्त कब पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, दिवाली का शुभ मुहूर्त के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस वर्ष साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 24 और 25 अक्टूबर दोनों के बीच पड़ रही है, लेकिन 25 अक्टूबर की अमावस्या तिथि प्रदेश काल में पहली ही समाप्त हो रही है। वही 24 अक्टूबर को प्रदेश काल में अमावस्या तिथि होगी। 24 अक्टूबर को निश्चित काल में भी अमावस्या तिथि होगी, इसलिए इस साल 24 अक्टूबर को ही पूरे देश में दिवाली का पर्व मनाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, दिवाली पर माता लक्ष्मी और गणेश पूजन की विधि के बारे में हम आपको बताते हैं। दिवाली पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश पूजा की विधि पूर्वक की जाती है। पहले कलश को तिलक लगाकर पूजा आरंभ करें। इसके बाद अपने हाथों में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करें। इस दिन के पश्चात भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर फूल अक्षत अर्पण करें। फिर दोनों प्रतिमाओं को चौकी से उठाकर एक थाली में रखें और दूध दही से तुलसी के साथ रंग और गंगा जल की मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराएं, वापस चौकी पर विराजित कर दें। स्नान कराने के उपरांत लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को टीका लगाएं। माता लक्ष्मी और गणेश जी को हार पहनाएं। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के सामने बताशे, मिठाइयां, फल, पैसे, सोने आभूषण रखें। फिर पूरा परिवार मिलकर गणेश जी लक्ष्मी जी की कथा सुने और फिर माँ लक्ष्मी की आरती करें। तो दोस्तों, हमने आपको सभी जानकारी दी हुई दिवाली के शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय सिया राम।